राधे गोविंद मदन मोहन तुम ही भरोसा हो। वाह बड़ा ही सुंदर दिन है, मीठी हल्की हवा बह रही है, पंछी की मधुर गुनगुनाती हुई आवाज, सुबह का रक्त वर्ण सूरज। ऐसे समय पर यदि कविरत्न होते तो दो लाइन सुना देते। बुलाओ महाराज। कौन कौन है? मैं आपका खास नौकर रघु। किसको बुला कर लाओगे? कविरत्न को। नहीं कोई जरूरत नहीं। बाप रे बाप, ओ मर गया रे। क्या हुआ महाराज, क्या हुआ? सीढ़ी के कोने में पता नहीं कौन नालायक मटका रखा था, वह मटका मेरे पैर पर गिर पड़ा, जिसके वजह से मैं सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ा। अरे बाप रे। सच में उस नालायक को मटका रखने की कोई और जगह नहीं मिली थी? महाराज सुबह सुबह उठकर आप किसका चेहरा देखे थे बताएं? रघु का देखा था, और किसका? वह झाड़ू पोछा छोड़कर आ गया मुझसे बोलने, कविरत्न को बुला दूं? सब उस रघु के वजह से हुआ है। न सुबह सुबह वह झाड़ू लगाने जाता और न कविरत्न को बुलाने के लिए कहता। मनहूस रघु ही है। तुम ठीक बोल रहे हो, इसके वजह से मैं उसे दंड जरूर दूंगा। क्या दंड देंगे महाराज? मृत्यु दंड। मृत्यु दंड। नहीं महाराज नहीं, मुझ पर दया कीजिए, मुझे काल कोठरी में डाल दीजिए, लेकिन मृत्यु दंड मत दीजिए महाराज। रोने धोने से कोई फायदा नहीं है, सजा सुना दी गई है। अब तुम अपना आखिरी ख्वाहिश बताओ। बचने का यही मौका है, एक आखिरी कोशिश करके देखता हूँ। तो फिर ठीक है, तो मैं अपने धर्म चाचा गोपाल से एक बार मिलना चाहता हूँ। ठीक है, मंजूर है। चिंता मत करो रघु, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। महाराज मुझे कुछ पूछना है। ठीक है पूछो। रघु तुम सुबह सुबह उठकर सबसे पहले किसका चेहरा देखे थे? महाराज का। और महाराज आप सुबह सुबह उठकर किसका चेहरा पहले देखे थे? क्यों रघु का। और रघु सुबह सुबह उठकर आपका चेहरा देखकर मृत्यु दंड पा रहा है, तो बोलिए महाराज सबसे ज्यादा मनुष्य कौन है, रघु या फिर आप? हाँ गोपाल तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, रघु को मैं मृत्यु दंड नहीं दूंगा। क्रोध में आकर मैं जो गुनाह करने जा रहा था, उस गुनाह से तुम मुझे बचाए हो, इसके लिए यह रहा तुम्हारा उपहार। सब महाराज की कृपा है।